कतु काच बानी केतनो कहबे त अपना बात आके बात कर सज्जन ई सुहरा नीक लोक से बड़ा संगत नि दो कु भोजन त नरक चिनानी पंच लक्षणम ई नरक के पहचान छे विवेकानंद जी गेल आई जना हमर सरकार सब सुवर्ण साहब के स्थान पर ई सत्संग होय जते ना सत्संग होय रहे विवेकानंद जी बगल में खड़ा भेल जिन सब कहत रहथिन ओ जीवन पढ़त रहथिन जे सत्संग के पूटी एक प्रवचन होत रहे जे सत्संग के पूटी एक आ घोटी घाट पिया जो तो लोक पर लोक के बीमारी भाग जाती जब से उतावल होते प्रेम के बीज बोते ऐसे प्रेम पद के हाथ में धुलाता है आ ऐसी अनोखी पूटी कबू ना देखी छोरी जिसके प्रताप से भगवान मिल जाते हैं विवेकानंद जी कल के नमरा था एक रेख खोज तरक्ता गल के बीच में आ खड़ा हुआ का विवेकानंद जी कल की हैव यू सीन गॉड अंग्रेजी द्वान आते कल की हैव यू सीन गॉड पर राम कृष्ण परमहंस उठ का खड़ा हुआ गए होता लगा कल की ए विवेकानंद जी जरा नजदीक में गए कल की आप जो पूछे हैं कि हैव यू सीन गॉड क्या आप भगवान को देखे हैं जो भगवान पर फिलोसफी दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हम तुमसे बात करते हैं और तुम हमसे बात करते हो उसी तरह से भगवान हमसे बात करता है और हम भगवान से बात करते हैं यदि तुम गुरु मान लोगे हमको तो तुमको भी भगवान से बात करा देंगे ये मेरा चैलेंज है विवेकानंद जी पगड़ी उतार कहते 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 संत महात्मा के गुरुओ महाराज रहे थे तो पगड़ी नहीं उतारा था बंदी पर आप कहो हेलो अरे पगड़ी ओकर अहाँ के चले ओकरा लगन कम से कम हटा ले दी संसार तो अपन नहीं छी विवेकानंद जी पगड़ी उतार कर आ सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस के चरण में लग गए कहलखिन विवेकानंद जी कहलखिन का कथी एकटा माइट के मूर्ति कहलखिन विवेकानंद एक सप्ताह एकरा धूप अगरबत्ती देखा कर पूजा करब आ ओहि में से भगवान निकलते आ तुरंत अहाँ नोट कर ले विवेकानंद जी एक सप्ताह देखल लेकिन ओहि में भगवान रहते तब न निकलते अगरबत्तियों बर्बाद भ गेलै आ सलाइयो बर्बाद हो गेलै नहीं जे देखले तो विवेकानंद जी मन में विचार जे आखिर यदि ओहि में भगवान छै ने तो आखिर ओ देखबै की है छै विवेकानंद जी अपने आप में अनुभव कलखिन आओ एकटा बौआ के ओर से एहि सत्संग गोष्ठी में 20% के प्रदान भेल साथ कहिए जे घर में रखी गीता और कुरान घर में रखी गीता और कुरान आपस में झगड़ा नहीं करते हैं और झगड़ा ये करते हैं जो सात कुरान के रख दियो रात में केकरो से कोई नहीं बचिया आ मारि करै छै के जे नहि पढ़ै छै ते विवेकानंद जी की 7 दिन के बाद कहलखिन ना संसार के लोग अगरबत्ती देखबे किया छै यदि ओहि में भगवान नहीं छै तो विवेकानंद जी अनुभव कलखिन जे ओहि में तो भगवान छै नहीं आ अगरबत्ती जे कोई सलाई लग बारै छै ओकरा मन में होइ छै ओहि में छै मन में होइ छै कतौ अगरबत्ती बनार के मन में होइ छै जे ओहि में छै तो भावना तो होइ छै ओहि में विवेकानंद जी कहलखिन जे न देवो विद्यते काष्ठे काठ के मूर्ति में भगवान नहीं रह सके न देवो काष्ठे पीते न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मिन्मये भक्ति सु भावो विद्यते देव भक्त के हृदय में भाव होइ छै जे ओहि में भगवान छै तो वह भावना के भगवान कहल जाइ छै आओ बहुत भक्ता सेहो छथिन आ हमर सरकार शायद हाँ कनी और बढ़ब ये चला लेता कता कबीर साहब कहे छथि जे जखन मन जे छै अहाँके हमर इशारा छल जे जखन अहाँके धर्मदास के मन में भरम भेल धर्मदास जी कहलखिन कबीर साहब के जे देह धरे का गुण यही कबीर साहब के कहलखिन धर्मदास जे देह धरे का गुण यही देह देह कुछ देह आ फिर न दे ही पाइए एमरी देहत दे कल के सरकार मानव तन जका हो के तले आहु मानवे तन में छी आ अई जे अगर हमरा कोनो बात बुझेला बाकी रहत हम संसार में बोवा जाय केना तो कोनो दलदल में अगर हाथी अगर कोनो पाक में फस जाय धारा कात में तो सरकार के कोनो मशीन ने जोगा निकाल सके के निकाल दे
कोई कोनो जेसीबी के नाना के दिन ने जो हाथी के निकाला ओकरा हाथ निकाले छे के 10 टा 15 टा हाथी है आ ओकरा डोलबैत 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 पांच जिला करज करज धक्कम धुका मारज करज करज निकल तैना ई हमहु आ मानव जी छी ते माया के दलदल में